Hello students, welcome back to the next video of class 12th biology. Chapter 2, sexual reproduction in flowering plant. In this video we are going to talk about the new topic, that is stamen, microsporangium and pollen grains. This pollen grain topic we are going to cover in the next video. In this video we will specifically talk about stamen and microsporangium. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेमेंस क्या होते हैं. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. फ्लावर के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी. उसके अंदर हमने बात करी थी एंड्रोशियम के बारे में. व्हाट इज़ एंड्रोशियम? एंड्रोशियम आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. अब एंड्रोशियम किससे मिलकर बने होते हैं? तो एंड्रोशियम आर मेड अप ऑफ स्टेमेंस. मतलब जब स्टेमेंस कंबाइन होते हैं. सी यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर फोर स्टेमेंस बता रखे हैं, 1, 2, 3 एंड 4. ये जब फोर स्टेमेंस हम कंबाइनली बात करेंगे तो हम टर्म यूज़ करते हैं एंड्रोशियम. सिंगल हम बात करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? स्टेमेन. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टेमेन का स्ट्रक्चर. जब हम स्टेमेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टेमेन के स्ट्रक्चर में जो आपको ये लंबा सा स्लेंडर एक स्ट्रॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट. सी द लॉन्ग एंड द स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट. नेक्स्ट हम देख रहे हैं द टर्मिनल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर. ये जो आपको ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कैसा है, बायलोब, दो लोब्स है इसके अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? एंथर. स्टेमेन में हमने तीन पार्ट्स की बात करी थी, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव. एंथर बायलोब स्ट्रक्चर है, दो लोब्स होते हैं. फिलामेंट एक लंबा सा स्लेंडर स्टॉक है जो इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं कनेक्टिव. नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट. प्रॉक्सिमल एंड क्या है उसे समझना है. सी एक डायग्राम दे रखा है आपको एक एनसीईआरटी के अंदर. इसमें हम देख रहे हैं तो आपको एंथर विजिबल है, फिलामेंट विजिबल है. यहाँ पे आप जो देख रहे हो सबसे एंड में ये जो बल्जिंग पार्ट है, दिस इज़ योर प्रॉक्सिमल एंड. जो एंड वाला पार्ट है किसका? एंथर का. ये किससे अटैच हो सकता है? या तो ये थैलेमस से अटैच हो सकता है या फिर ये पेटल से अटैच हो सकता है. इस डायग्राम में आप देखिए तो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल एंड वाला पार्ट है वो किससे अटैच्ड है? थैलेमस से. बहुत सारे फ्लावर्स में थैलेमस से ही अटैच होता है, बट कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें किससे अटैच रहता है? पेटल से. अब जब पेटल से अटैच होता है तो यहाँ पे हम देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है. ये आपको दे रखा है इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर. दिस इज़ योर पेटल्स, ठीक है. अब इन पेटल से क्या अटैच्ड है आपका? स्टेमेन. जब पेटल से स्टेमेन अटैच रहता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपीपेटलस. एनसीईआरटी में लाइन गिवन है बट ये टर्म नहीं बता रखा है, तो मैंने आपको बता दिया है इसे क्या कहते हैं, एपीपेटलस. नेक्स्ट द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमेन. नंबर की बात करें, किसी फ्लावर में हम कह सकते हैं 5 स्टेमेन होंगे, किसी में हो सकता है 10 हो, तो ये सब में वेरी करता है. एंड लेंथ ऑफ द स्टेमेन, लेंथ भी सब में क्या होती है? वेरी करती है, मतलब चेंज होती है. किसी में छोटे स्टेमेंस होते हैं, किसी फ्लावर में बहुत बड़े स्टेमेंस होते हैं, तो दे आर वेरिएबल एंड दे वेरी फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़. जैसे जैसे हम दूसरी स्पीशीज़ देखते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो लेंथ है और जो साइज़ है वो भी वेरी करेगी. आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज़. यहाँ पे आपको वेराइटी दिख रही होगी अलग अलग डायग्राम्स में कि स्टेमन सब फ्लावर्स में अलग अलग होते हैं. अब आपको एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ दे रखा है, उसे समझते हैं. फिगर 2.2A, इस फिगर की बात कर रहे हैं हम. शोज़ द टू पार्ट ऑफ द टिपिकल स्टेमन. स्टेमन के दो पार्ट बता रखे हैं. कौन कौन से बता रखे हैं यहाँ पे आपको? एक तो एंथर बता रखा है और दूसरा क्या बता रखा है? फिलामेंट. ये बायलोब स्ट्रक्चर क्या होता है? एंथर. ये लॉन्ग स्लेंडर क्या होता है? फिलामेंट. द लॉन्ग एंड द स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड द टर्मिनली जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर. जो ऊपर का बायलोब स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो लोब है उसे हम क्या कहते हैं? एंथर. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल्स. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो एंड रहता है वो या तो थैलेमस से हो सकता है या फिर पेटल से हो सकता है. द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़. नंबर और लेंथ क्या करती है? वेरी करती है. इफ़ यू वेयर टू कलेक्ट द स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स,
अगर आप अलग अलग 10 फ्लावर से आप स्टेमेन कलेक्ट करो, मतलब अलग अलग स्पीशीज़ की, और जैसे ही आप उसको स्लाइड पे अरेंज करोगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। मतलब उसके अंदर इतने ज़्यादा वेरिएशन होते हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं, तो आप खुद अप्रिशिएट करोगे कि हाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड एल्यूसिडेट द रेंज इन द शेप एंड द अटैचमेंट ऑफ एंथर इन द फ्लावर। मतलब आप जब अलग अलग स्पीशीज़ के फ्लावर्स लोगे, जब उन्हें आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे अंडर डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, उनके स्लाइड्स बनाओगे, तो उसमें जो जो भी वेरिएशंस है, हो सकता है कुछ स्टेमन्स किससे अटैच हो, पेटल से अटैच हो, कुछ की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी हो, कुछ की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये सब चीज़ देख पाओगे जब आप लाइव उसको करोगे। नेक्स्ट सी, अब आपको एनसीईआरटी के अंदर कुछ टर्म्स देखने को मिलेगी। सबसे पहली टर्म है बायलोब। बायलोब को समझते हैं हम। बायलोब मतलब जिसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट है। दो लोब्स किसे बोल रहे हैं हम? सपोज एंथर है, ये एक एंथर मैंने बना रखा है, सर्कुलर शेप में बना रखा है एक एंथर, ठीक है। ये एंथर को जब मैं डिवाइड कर रही हूँ, ये एक लाइन से डिवाइड कर दिया है मैंने, तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे कितने लोब्स प्रेजेंट है? दो लोब प्रेजेंट है। सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ मैं आपको कि ये एक एंथर है पूरा, इस एंथर के अंदर दो लोब्स आपको आई होप क्लियरली विजिबल होंगे। ये आपका पहला लोब है, ये आपका दूसरा लोब है। एंथर के अंदर दो लोब्स होते हैं, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? बायलोब स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है डाइथिकस। अब अगर हम पर्टिकुलरली एक लोब की बात करें, अभी मैं पर्टिकुलरली सिर्फ इसी लोब की बात कर रही हूँ, इस लोब को अगर मैं दो इसमें डिवाइड कर दूँ, तो एक लोब के अंदर कितने थीका होंगे? दो थीका होंगे। आई होप क्लियर होगा कि ये एक एंथर है, एक एंथर के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट हैं। अब एक लोब के अंदर कितने थीका हैं? दो थीके प्रेजेंट हैं, मतलब दो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं। इसे हम कहते हैं डाइथिकस कंडीशन। डाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कितने थीका है? दो थीका है। दो थीका किसके अंदर प्रेजेंट है? एक लोब के अंदर। अब अगर हम मैं बात करती हूँ पूरे ओवरऑल एंथर की, पूरा ओवरऑल एंथर में कितने थीका प्रेजेंट है? तो एक लोब में दो हैं, तो दो लोब में कितने होंगे? फोर। अगर पूरे ओवरऑल एंथर की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं टेट्राथिकस। अगर सिर्फ एक लोब की बात करते हैं तो उसे कहते हैं डाइथिकस, ठीक है। अब जब आप एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। सी, यहाँ पे मैं एक बॉटल की एग्जांपल्स आपको समझा रही हूँ। अगर ये बॉटल है, इस बॉटल को मैंने कट कर दिया, इस तरह से मैं कट कर रही हूँ उसे हॉरिजॉन्टली, सॉरी लॉन्गिट्यूडनली। तो लॉन्गिट्यूडनली कट करूँगी तो इसे मैं क्या कहूँगी? एल एस। एल एस मतलब क्या? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यही मैं क्या कर रही हूँ अगर इसे इस तरह से कट कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टली कट कर रही हूँ, कट कर रही हूँ, ये बॉटल आपकी अलग हो जाएगी, इधर का पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? टी एस। टी एस, एल एस, बायोलॉजी में बहुत बार टर्म्स यूज़ होती है, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं टी एस। तो आप जब एंथर का टी एस देखते हैं तो आपको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखता है। टेट्रा मतलब क्या? फोर। फोर पार्ट्स आपको अलग अलग दिखेंगे जिसके अंदर आपको फोर माइक्रोस्पोरांजिया दिखते हैं। अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पे आपको देखो पॉलन सैक कितने दिख रहे हैं? फोर दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं। आप उसको जब केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको विजिबल होंगे। तो ये पॉलन सैक किससे बने हैं? माइक्रोस्पोरांजिया से बने हैं। तो आपको जब टी एस आप देखते हैं तो आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अभी हम और आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यह एनसीईआरटी का पैराग्राफ दे रखा है। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब्ड। बायलोब का मतलब क्या है? दो लोब्स प्रेजेंट है। किसके अंदर? एंथर के अंदर। विथ ईच लोब हैविंग टू थीका। एक लोब के अंदर कितने थीका है? दो थीका है। दो लोब प्रेजेंट है तो टोटल कितने थीका है एंथर के अंदर? फोर थीका प्रेजेंट है। दो थीका प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डाइथिकस। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका।
यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था कि ये एक एंथर है, ये एंथर को दो लोब्स में डिवाइड कर दिया है, एक लोब को दो थीका के अंदर डिवाइड कर दिया है। जो ये थीका जब डिवाइड होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक लेंथ, एक ग्रूव रहती है। वो ग्रूव क्या करती है, सेपरेट करती है दो थीका को, ये बता रखा है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर TS ऑफ एंथर दोनों एक ही चीज़ है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे डायग्राम के अंदर, नेक्स्ट कमिंग डायग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द बायलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन। जो बायलोब्ड नेचर है ये आपको बिल्कुल अच्छे से देखने को मिलेगा किसके अंदर, TS के अंदर। द एंथर इज़ फोर साइडेड होता है, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजियम। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एक एंथर के अंदर, लोकेटेड एट कॉर्नर्स टू इन ईच लोब। दो लोब्स प्रेजेंट हैं तो एक लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, दो माइक्रोस्पोरेंजिया। पूरे एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो फोर माइक्रोस्पोरेंजिया है। आई होप ये थोड़ा क्लियर होता जा रहा है, डायग्राम से और समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएंगे, पॉलन सैक। यहाँ पे आपको डायग्राम में पॉलन सैक बता रखे हैं। ये पॉलन सैक किससे बने हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया से। इस डायग्राम के अंदर आपको फोर पॉलन सैक दिख रहे हैं, ये फोर पॉलन सैक किससे बने हैं, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया से बने हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। ये आपको याद रखना है कि ये जो पॉलन सैक होते हैं एंथर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेल गैमेट। देखिए अब इस डायग्राम से आप समझते हैं, ये आपको दे रखा है TS ऑफ एंथर, एंथर का TS बता रखा है। इस एंथर के TS, जब आप इसका TS जो दे रखा है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में फोर माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। ये पहला माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब ये जो फोर माइक्रोस्पोरेंजिया है, जब इसको आप ऑब्जर्व करते हैं तो इसके एक सर्कुलर आउटलाइन आपको देखने को मिलती है, जो कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया की जो लेयर्स है वो कौन कौन सी होती है, किससे कवरिंग होती है, वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर को। बायोलॉजी में बहुत सारी जगह आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, तो एक कॉमन टर्म है। एपी मतलब आउटर, डर्मिस मतलब लेयर, तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस की जस्ट इनसाइड होती है एंडोथीशियम, ये एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाली लेयर, जो ग्रीन कलर की यहाँ पे लेयर दिख रही है आपको। एंडोथीशियम के अंदर होती है मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, इन तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये मेनली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को। और इसका एक और फंक्शन होता है इन तीनों लेयर्स का, दे हेल्प इन द डहीसेंस ऑफ एंथर। जैसे ही एंथर बर्स्ट होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, तो ये डहीसेंस की प्रोसेस में ये तीनों लेयर्स हेल्पफुल होती है। जस्ट इनसाइड द मिडिल लेयर यहाँ पे एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं टेप्टम। ये जो टेप्टम होती है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। टेप्टम का क्या फंक्शन होता है, तो टेप्टम जो है इट हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो टेप्टम प्रोवाइड करता है। अब पॉलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, यही आगे जाके क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। उसे हम प्रोसेस को हम पूरा समझते हैं अभी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, जो आपको बुक में है ये डायग्राम बता रखा है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया का। इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। जब आप TS देखते हैं एंथर का, तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे विजिबल है। इनकी आउटलाइन कैसी होती है, ऑलमोस्ट सर्कुलर होती है। ये छोटे से पार्ट को आपने मैग्नीफाई करा है तो आपको इस तरह का इमेज आपको कुछ दिखेगी। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय फोर लेयर्स, चार लेयर से सराउंडेड होता है। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। नेक्स्ट इसी पार्ट को आपको यहाँ मैग्नीफाई करके दे रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, फिर आपको दे रखा है टेप्टम। नेक्स्ट आपको दे रखा है द आउटर
थ्री लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. आउटर थ्री लेयर मतलब कौन कौन से लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर. इनका क्या फंक्शन होता है, एक तो प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डहीसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन, ये मैंने आपको बता दिया है. द इनर मोस्ट लेयर इज टेपटम, सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, टेपटम होती है. इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, इनका काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना. नेक्स्ट, सेल्स ऑफ द टेपटम पॉसेस डेंस साइटोप्लाज्म. जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो टेपटम दिख रहा है, आप इसको देखना, यहाँ पे आपको कुछ डॉटेड ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे. वो ऐसा क्यों शो कर रखा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, वो इस डायग्राम में शो भी कर रखा है. एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होता है, जिसे या तो हम बाई न्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं. कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेप्टल सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट, अभी बाई न्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट कैसे बने टेप्टल सेल, तो उसका आंसर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रखा है. नेक्स्ट, व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर क्या होता है, यंग होता है, एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू. ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे माइक्रोस्पोरांजिया के अंदर, उसके अंदर कौन से सेल्स दिख रहे हैं आपको, स्पोरोजेनस टिश्यू. ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरांजियम, माइक्रोस्पोरांजियम के जस्ट बीच में ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. कितने माइक्रोस्पोरांजिया हैं, 4 माइक्रोस्पोरांजिया हैं. ये 4 माइक्रोस्पोरांजिया आगे जाके बनाएंगे पॉलन सैक. जब एंथर यंग होता है तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ कॉम्पैक्टली टिश्यूज, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू. ये होमोजेनस होते हैं, होमोजेनस मतलब बिल्कुल सिमिलर सेल्स होते हैं. नेक्स्ट, जो क्वेश्चन बता रखा था आपको आगे, हाउ टेप्टल सेल्स कुड बिकम बायन्यूक्लिएट, बायन्यूक्लिएट कैसे बने टेप्टल सेल्स. टेप्टल सेल्स आर वेरी लार्ज सेल, बहुत बड़े सेल्स होते हैं, विथ मैनी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत सारे हैं. दे हेल्प द पॉलन ग्रेन्स ग्रो एंड डेवलप, पॉलन ग्रेन क्या हो सके, ग्रो हो सके, डेवलप हो सके, उनको नरिशमेंट मिल सके, यही मेन टेप्टल सेल का फंक्शन होता है. टेप्टल सेल्स अंडरगो एंडोमाइटोसिस वेयर द न्यूक्लियस इन द मेम्ब्रेन डिवाइड. यहाँ पे हम देखें तो ये एक सेल है, ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा और एको न्यूक्लियस बना लेगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो गई है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए हैं. ये प्रोसेस हो गई है बट यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है. नॉर्मली नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं. बट जो टेप्टल सेल है उनमें साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, दैट्स वाई दे आर नॉट फॉर्मिंग बाई न्यूक्लिएट और पॉली न्यूक्लिएट. इसलिए वो कैसे बन चुके हैं, बाई न्यूक्लिएट और पॉली न्यूक्लिएट बन चुके हैं. सी, यहाँ पे आपको वही डायग्राम दे रखा है जो एनसीईआरटी में गिवन है. ये आपको बता रखा है एंथर का टीएस बता रखा है, ट्रांसवर्स सेक्शन, 4 लेयर्स दिख रही है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टिप. नेक्स्ट आपको टर्म दे रखी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर हम किसे बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स को बोल रहे हैं. पॉलन ग्रेन्स की बनने की प्रोसेस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पॉलन ग्रेन्स बनने की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. उस देखते हैं हम, एज द एंथर डेवलप, जैसे ही क्या होगा, एंथर डेवलप होगा, द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन. यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट थे यंग एंथर में, उनके अंदर कौन सा डिविजन होगा, मियोसिस होगा. और मियोसिस जब भी होता है उसके बाद में क्या प्रोड्यूस होते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड. टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसे क्या बोला है, टेट्राड. और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे. स्पोरोजेनस टिश्यूज कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, 2 एंड कंडीशन होगी. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर है जिसके अंदर 6 क्रोमोजोम प्रेजेंट है. जब इनमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, तो उसके अंदर एक के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 3 क्रोमोसोम. मतलब ये रिडक्शनल डिवीजन है, 6 क्रोमोसोम के बाद में कितने क्रोमोसोम मिल गए आपको, 3 क्रोमोसोम. नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड. क्या प्लॉइडी होगी, तो ये हैप्लॉइड होंगे. प्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ये पूछ रहे हैं आपको.
नेक्स्ट, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड. बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरांजियम के अंदर, तो जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं सबके पास केपेबिलिटी होती है कि वो क्या बना सके, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके. माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिविजन. ईच वन इज़ ए पोटेंशियल पॉलन. हर क्या है, पोटेंशियल पॉलन भी बोल सकते हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये सारी टर्म्स एक ही है, पोटेंशियल पॉलन, माइक्रोस्पोर मदर सेल. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोटेंशियल पॉलन सारी एक ही चीज़ें हैं. थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन बता रखी है. इसको सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स का बनना या फिर माइक्रोस्पोर्स का बनना किससे बन रहे हैं, तो पॉलन मदर सेल, पोटेंशियल पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो किससे फॉर्म हुए हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू से, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिविजन. इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. नेक्स्ट, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ फोर. किसके फॉर्म में होते हैं, फोर के फॉर्म में. हमने देखा टेट्राड कंडीशन होती है, द माइक्रोस्पोर टेट्राड. एज द एंथर मैच्योर, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट, ये माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन. और क्या बना लेंगे, ये पॉलन ग्रेन्स बना लेंगे. इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरांजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, आर फॉर्म्ड, दैट आर रिलीज्ड विद द डहिसेंस ऑफ एंथर. अगर हम माइक्रोस्पोरांजियम की बात करें तो ये देखिए, ये आपको यहाँ बता रखा है, ये पहला माइक्रोस्पोरांजिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये और चौथा. ये चार माइक्रोस्पोरांजियम के अंदर बहुत सारे क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. और जैसे ही एंथर में डहिसेंस होगा, डहिसेंस मतलब एंथर क्या होगा, बर्स्ट होगा, तो यहाँ से सारे पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. ये रिलीज कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के थ्रू. एक टर्म आपको एनसीईआरटी में आया था, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव. लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या होगी, उसी के थ्रू सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब.